हमारे शिष्यों में प्रमुख शिष्य आचार्य विज्ञानाचार्य कनकनंद जी महाराज साहब हैं, और उन्होंने अपने जीवन में साहित्य सृजन और वो भी विज्ञान को साथ में लेकर के किया है। अभी भी रात दिन मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने पर भी अखंड स्वाध्याय करते रहते हैं और उससे लोगों को लाभ खूब अच्छा मिलता है। जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, विषय के जानकार हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका साहित्य, आपका प्रवचन बहुत उपकारी है। आपकी पुस्तकें जहाँ से भी छपती है वो हमारे पास आती रहती है। पुस्तकों को देखने के बाद पता चलता है आपका जो परिश्रम है बहुत अच्छा परिश्रम है। समग्र भारत में दिगंबर परंपरा में इतने बड़े तत्वज्ञ विज्ञान के जानकार अगर कोई है तो आप हैं आचार्य विज्ञान आचार्य कनकनंद जी महाराज साहब। उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद पूर्वक प्रति नमोस्तु। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी प्रकार जिनवाणी की सेवा करते रहे। भगवान महावीर की वाणी, पूर्वाचार्य की वाणी का प्रचार प्रसार करते रहें, और जिन शासन की प्रभावना करते रहें, ऐसी में मंगल कामना करता हूँ। और जो परिश्रम कर रहे हैं, मेरा कहना क्या कहना है, बीच में फोन आया था कुछ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है, तो परिश्रम तो करना है लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। और उसके बाद जिन धर्म और जिन शासन की प्रभावना का काम करना है। मैं आपको बहुत बहुत प्रति नमोस्तु पूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। आपकी शान के बराबर दूसरा वर्तमान में कोई नहीं है। आपको सुरक्षित रखना परम आवश्यक है, सुरक्षित रहना परम आवश्यक है, और स्वास्थ्य आपका ठीक रहना परम आवश्यक है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप भी पूरा पूरा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देंगे और स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। संघ में जो भी हैं सबको मेरा यथायोग प्रति नमोस्तु आशीर्वाद। और चातुर्मास अभी आपका हो रहा है, निर्विघ्न चातुर्मास हो, आपको भी और आपके भक्तों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना, आपका स्वास्थ्य रत्न से ठीक रहे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।